उंगलियों में शंख या चक्र के निशान जो आपने देखे हैं, वो निशान बताते हैं जीवन से जुड़ी कुछ विशेष और खास बातें। और ये शंख और चक्र क्या हमारे हाथों के लिए शुभ हैं या अशुभ? शंख ज़्यादा होना या चक्र ज़्यादा होना हाथों की उंगलियों पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान दे सकता है, आइए जानते हैं। आइए जानते हैं उंगलियों पर शंख या चक्र की आकृति का क्या विशेष महत्व है, क्या फायदे क्या नुकसान है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अनामिका उंगली में चक्र का यदि निशान हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली पर चक्र मौजूद है तो ऐसे लोगों को भौतिक सुख, संसाधन, फैसिलिटीज, ये सभी सुख की प्राप्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है और आनंदमय जीवन ऐसे व्यक्ति जीते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ के अंगूठे पर चक्र का निशान होता है वे लोग धन के मामले में बहुत सौभाग्य वृद्धिशाली होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को पैतृक धन संपदा आदि समस्त मकान जायदाद वाहन आदि समस्त चीजों का सुख जीवन पर्यंत जो है मिलता रहता है और ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं। जो भी कार्य करते हैं मानो वो एक सिद्धिप्रद होता है, वो हर एक कार्य उनके लिए सफलतापूर्वक व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, यदि आपकी मध्यमा यानी कि हाथ की बीच वाली सबसे बड़ी उंगली पर यदि चक्र ऐसे चक्र का निशान पाया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही उन्हें पैसों की तंगी का दुख जीवन में कभी नहीं झेलना पड़ता, पर्याप्त मात्रा से ऐसे लोगों के पास धन और मौज मस्ती होती है। तर्जनी उंगली पर, इस तर्जनी उंगली पर चक्र की यदि मौजूदगी है, चक्र है, तो इसका अर्थ है ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी महत्व हर चीज़ का समझते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और ये अपनी मेहनत के बल पर खूब पैसा, धन धान्य, ऐश्वर्य, संपदा, सिद्धियां कमाते हैं और काफ़ी नेम और फेम वाले होते हैं। उंगलियों पर शंकराकृति होना एक बहुत भाग्यशाली चिन्ह है और आकृति का, शंख की आकृति का समूह ज़्यादा से ज़्यादा यदि हाथों पर हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मित्रों, छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका उंगली पर यदि चक्र की आकृति पाई जाती है तो ऐसे जातकों को अपने जीवन में हर कार्यक्षेत्र में धन लाभ होता है, हमेशा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज योग बनते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और एक अच्छे सफल व्यापारी होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर हाथ की एक उंगली में एक शंख मौजूद है तो ऐसे लोग जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और काफी सम्मान पाते हैं। और यदि हाथ की दो उंगलियों में शंख का निशान है, शंख है, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे जातक को हर कार्यक्षेत्र में सफलता आसानी से नहीं मिलती, उन्हें बहुत कड़ी और एक दो बार नहीं, काफी बार मेहनत करने के बाद में आगे कामयाबी मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मूल मंत्र कामयाबी का है कि ऐसे व्यक्तियों को हमेशा मेहनत करता रहना चाहिए जब तक कि उन्हें सफलता प्राप्त न हो जाए। और दोस्तों, यदि हाथों की टोटल तीन उंगलियों पर यदि शंख की आकृति है तो व्यक्ति के खर्चीले होने के स्वभाव को बताती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनाप शनाप खर्चा करने वाले होते, अननेसेसरी धन व्यय करते हैं। ये लोग अपने भौतिक सुख की तृप्ति के लिए बहुत ज़्यादा धन व्यय करते दिखाई देते हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों को अपने धन को थोड़ा संभाल कर और सेफ रखना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी जातक जातिका के हाथ की चार उंगलियों में यदि शंख की आकृति है तो उनका जीवन बड़े ठाट बाट से व्यतीत होता है। बहुत धन धान्य वो कमाते हैं और यदि वो नहीं कमा पाते हैं तो किसी ना किसी जरिए से पैतृक संपत्ति या किसी का सहायता ऐसी मिलती है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में ठाट बाट करते हैं, मौज मस्ती और एक अच्छी लग्जरी लाइफ को जीते हैं। दोस्तों, यदि हाथ के अंगूठे पर शंख यदि उभरा हुआ है, शंख का निशान है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी न एन के प्रकार ने जो है अपने लिए धन का संग्रह कर पाता है और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह जो है बहुत सफलताओं को प्राप्त होता है। मेहनत ऐसे व्यक्ति की अधिक मेहनत करने पर ही उसे सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पर्याप्त रूप से धन की कभी भी जीवन में कमी नहीं होती है। इससे अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने के लिए या फिर हैंड रीडिंग एनालिसिस करवाने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट फीस देनी ज़रूरी होगी।